गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह के जो है बज रहे हैं 6:30 और आप देख सकते हैं मैं उठ गई हूँ। अब जो है मैं अपने डेली के वॉक स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ नहा धो के। आप देख सकते हैं मैंने नहा लिया है और बजने वाले हैं 7:00 घड़ी में। और जो है अभी मेरी आवाज़ लो हो रही है इसलिए क्योंकि कि मायूस सोया हुआ है, तो अगर जोर से बोलूँगी तो वो उठ जाएगा। तो अब जो है चलते हैं किचन में और बनाते हैं नाश्ता। नाश्ता क्या, मयू के लिए टिफ़िन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मयू उठ गया है। मैं नाश्ता बना ही रही थी इसके लिए, तो ये देखो आते ही गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखो उठ गया है सुबह सुबह ही, और मैं जल्दी उठ जाता ही, मैं इतना आराम से बोल रही थी तो तब भी ये उठ गया है। और मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। मैं बना रही हूँ पराठा, ये क्योंकि पराठा काफ़ी पसंद करता है तो नमकीन पराठा बना देती हूँ इसके लिए, स्कूल के लिए। और उसके साथ सॉस या कुछ रख दूँगी, ये तो रोटी है, पहले रोटी को खा लूँ। और खांसी देखो उसको, कितनी खांसी हो रही है। जाओ अपना वो पहनो, जाके अपर और वो पहनो, जल्दी जाओ। और घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कपड़े जो ऐसे ही पड़े हैं। और ये मतलब रात में पूरा गंदा हो जाता है घर जब ये स्कूल आती हूँ। टी फ्रेंड्स, तो अब हम लोग पियेंगे बैड टी। तो ये इसमें पानी है ग्लास में और 2 कप मैन और मेरी चाय की है। फ्रेंड्स, अब जो है मेरा हो चुका है काम सारा, आप देख सकते हैं सफाई सारी, अब कोई भी सामान बिखरा नहीं पड़ा है। और मैंने पूजा भी कर ली है, पूजा देख सकते हैं कर ली है मैंने। और टाइम जो हो गया है वो हो गया है 9:30। और अब मेरी जो है हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, से ज़्यादा कपड़ों में। तो अब जो है मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी क्योंकि काफ़ी भूख भी लगी है, सर्दियों में खाने का मन भी करता है ज़्यादा। तो चलो अब बनाते हैं नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं ये मैंने चावल का आटा रखा है घोल के, इससे जो है चावल की रोटी बनती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को तो बताऊंगी मैं, अगर पता नहीं है कुछ लोगों को तो पता होगा। और ये जो है ये है पालक और लाई मिक्स है, इसकी सब्जी बनाऊँगी मैं। अभी मैंने धो के रखा हुआ है तो इसको अभी काटूँगी, फिर जाके मैं इसको बनाऊँगी। और चावल की रोटी इसको थोड़ी देर क्या करना पड़ता है कि भिगा के रखना पड़ता है, इसलिए जो इसके बाद इसको तवे में जो है ऐसे डाल के फिर बनाना पड़ता है इस तरीके से। तो बना के दिखाऊंगी मैं आपको कैसी होती रोटी। तो फ्रेंड्स, अभी तो यही काम है, अब मयन भी दिन में आके यही खाएगा या कुछ बनाऊँगी दाल वगैरह इसके साथ, क्योंकि वो हरी सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करता इस वजह से। तो देखूँगी दाल या रोटी, क्योंकि आजकल अब वैसे तो ये ठंडा होता है चावल का आटा, बट क्या करें सर्दी जुकाम भी हो रहा है, पर खाने का मन भी करता है सर्दियों में, इसलिए मैंने सोचा बना ही लेती हूँ थोड़ा सा। तो बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ आप। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा खाना ब्रेकफास्ट, जो मैं बाहर ला गई हूँ धूप में। मौसम देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है आज का, पूरा आसमान साफ है। और ये मैंने कंबल डाला हुआ है अपना, तो मैं बाहर पे ले आई हूँ खाना। अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने हरी सब्जी इसमें चावल की रोटी और चाय, ये मैंने अखबार रखा हुआ है क्योंकि इसमें जो है ऑयल लगाते हैं तो ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए अखबार जो है ऑयल सोख लेता है, तो इसलिए मैंने इसी अखबार में रखी हुई रोटियाँ। तो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो फ्रेंड्स, अब जो है मेरा नाश्ता भी हो चुका है और उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, थोड़ी देर में किरण के यहाँ चली गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। अब जो है मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं अब ब्रेकफास्ट करने के बाद, काफ़ी टाइम हो गया वैसे, अब जो है 12 बजने वाले हैं। तो अब जो है मैं खा रही हूँ दही, मैंने ले लिया दही, तो मैंने सोचा थोड़ी सी दही खा लेती हूँ, वैसे तो जुकाम काफ़ी लगा हुआ है पर क्या करें, थोड़ी सी दही ले ली, खा लेती हूँ, खाने का मन करता है सर्दियों में ठंडा, पता नहीं जब सर्दी जुकाम होता है ना तब ज़्यादा मन करता है खाने का और टाइम पे नहीं होता। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे प्लेट में आज हम लोग बना रहे हैं नींबू, और हम खाएंगे नींबू जिसके लिए मैंने ले लिया है भांग। तो फ्रेंड्स, ये जो है क्या ये होता है फ्रेंड्स, ये जो होती है ये भांग होती है, आप देख सकते हैं, इसके लिए मैंने भांग रखा हुआ है और हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, तो ये सब मिक्स करके फ्रेंड्स इसको जो है क्या करना होता है, मिक्सी में पीसना होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी, ये सिलबट्टा है और ये पीस को पीसने वाला, तो अब मैंने ले लिया सारा जो भी लिया था धनिया भांग, और मैं इसको पीस रही हूँ, इसको कुछ इस तरीके से पीसते हैं, मैंने पहले भी भर पीस के दिखाए थे आप लोगों को।
बन गया है नींबू, और मैंने इसमें नमक मिर्च मसाला डाल दिया है। मैं जो अकेले ही बना रही हूँ, क्योंकि ये देख सकते हैं, क्योंकि किरण जो है अभी गई हुई रिद्धि को लेने, और तो आएगी तो फिर मैं उसको दूंगी, तब तक मैं उनके लिए डाल के रख देती हूँ। और अभी खाएंगे, एक जो है मैं आंटी लोगों को दूंगी नीचे, तो खाते हैं हम लोग इसको, फिर मिलते हैं आपको। बड़ा ही टेस्टी होता है, अपने सर्दियों में खाया जाता है ये। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये खाने वाले बंदे हैं हमारे, कोई इनका पार्टिसिपेशन नहीं है बनाने में। और ये देखो, ये कौन आया, ये कौन आया बताओ, कौन आया, कौन है ये, सॉक्स भी खोलो बेटा, कौन है, कौन हो आप, रिद्धि, रिद्धि लो ना यार खाओ, ये देखो इसके लिए कटोरा भर के चाहिए इसको, और बनाने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, भाग गए ना धो के, अब खाएंगे मजे से। क्यों भागे नहीं आप, कहाँ भागी यार, काम है भागना ही पड़ेगा। ये देखो, ये आप ही खाओगे, ये यही पे सूज खोलने लग गया बाहर पे। ये देखो इसके काम क्या हुआ। तो गाइस अब आप देख सकते हैं, ये देखो मयू का काम, ज्योमेट्री बॉक्स ऐसे फेंका हुआ है, बेड देखो, ये देखो इसको गुस्सा, और ये देखो इसका काम, ये देखो इसने जो अपने ये पिक्चर लेके आया है, इसमें से एक पिक्चर गुम हो गई है, तो ये आ गया स्कूल से, और इसका काम यही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसने काम खोल के रखा हुआ है। ये देखो पेपर बेड पे देखो कैसे किया हुआ, सारी बुक्स फैला के, ये देखो काम करने में लगा हुआ है। खाना पीना इसका हो गया है, और इसका काम जो है इस तरीके का है, क्योंकि आजकल आप जानते ही, जब गया हुआ था हम लोग तो इसका काम रह गया था, थोड़ा छूट गया था, तो वही काम ही अपना कंप्लीट कर रहा है। और पता नहीं क्या क्या ड्राइंग बना रहे, क्या लेके आया है, क्या लेके आए हो आप, कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रेडी, क्या रेडी हो रहा है, ये देखो आगे गंदी बच्ची। तो अब क्या करेंगे हम, खाना खा लिया, आपकी मम्मी ने क्या बनाया आज, उसकी मम्मी जो लेके आई थी मटर पनीर, आज इन्होंने पनीर मटर पनीर बनाया है, और हमने बनाया है, हमने क्या बनाया आज, मटर आलू, और ये रखी है छोटा रोटी, देखो कितनी गोल बनती है मेरी दादा की रोटी, ये भी लगाओ, मम्मी की गोल, पापा की गोल, सारे पैसे गोल, सारी दुनिया गोल गोल, ऐसा बोलो, मम्मी की रोटी गोल, मम्मी की गोल रोटी गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल, पापा का पैसा, पापा का चश्मा, पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल, मुझे तेरे भी अच्छी नहीं आती, मैं बनाओ बनाओ, कैसे बना रहे हो हम देख रहे हैं। चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगी, बस ठीक है, अभी रुक जाओ, दूसरी आप तब तक बेलो ना, ओ हां आटा लो, ये देखो, ए हे हे, इस लड़की ने सब्जी गिरा दी थी अभी, और क्लैपिंग कर रही है, फूल रही है वो, ये मैंने कर दी है पलटा ना, गरम हो गई है रोटी, आप इधर खाओगे अपने वहीं, अपने वहां आज पनीर बना है इसलिए, हाँ ऐसे करोगे, हाँ है ना, तो ये रही मयू की रोटी, अब दूसरी रोटी, अब दूसरी रहने दो, दूसरी मैं बनाती हूँ, दूसरी तो मैं बना रही हूँ लास्ट, चलो जो जो है आज मयू ने बनाई रोटी,
और उसके बाद जो मैंने बना ली थी, तो अब जो है रिद्धि भी चली गई है और हमारा खाना पीना भी अब हो गया है। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मैं फिर आपको मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।